लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे। अयोध्या में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी आशीष तिवारी ने मंडल कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न बैरकों में बंद कैदियों का हालचाल जाना और व्यवस्थाएं पर की। डीएम एसएसपी ने मंडल कारागार के पाकशाला और जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाकशाला में बन रहे भोजन को चखा और जेल परिसर में मिल रहे भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली। बंदियों और कैदियों से जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं तथा समस्याओं की जानकारी ली। जेल अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को जांच परखा और उपचार के लिए रखे गए कैदियों से बातचीत कर जानकारी ली। कुछ कैदियों ने गंभीर बीमारी के चलते समुचित उपचार का प्रबंध कराए जाने की मांग रखी गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एसएसपी से सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा जेल अधीक्षक को ऐसे रोगियों का समुचित उपचार बाहर अस्पताल में कराने की बात कही। आपको बता दें कि फैजाबाद कचहरी सीरियल ब्लास्ट के गुनाहगारों को सजा मिलने के बाद ये पहला मौका है जब जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने मंडल कारागार परिसर स्थित खेती को भी देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। जी, आज जो है मेरे और एसएसपी साहब के द्वारा जो मंडली कारागार है उसके व्यवस्थाओं के लिए औचक निरीक्षण किया गया था आज। तो उसमें जो है कई बैरक देखे, यहाँ के जो बंदी हैं उनकी भी समस्याएं सुनी। ज़्यादातर इस तरीके थी कि कुछ ऐसे थे जो सरकारी वकील की मांग कर रहे थे, तो उनको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसको रेफ़र किया जा रहा है। और उसके अलावा सबको डाइट के बारे में, दवाई की उपलब्धता के बारे में पूछा गया। उस फ्रंट पे सब चीज़ें ठीक थी। जेल के अस्पताल का निरीक्षण किया गया, पाकशाला का निरीक्षण किया गया। और उसमें हाँ, कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको कि कुछ गंभीर बीमारी है, उनको बाहर दिखाने की ज़रूरत है या एक्सरे कराने की ज़रूरत है, तो उसके लिए गार्ड की आवश्यकता होगी। तो उस पर विचार विमर्श हो गया, कप्तान साहब से उसमें सहमति हो गई, उसको गार्ड दे करके बाहर उसका इलाज कराया जाएगा। जो जेल का जो हमारा फार्म है उसका भी निरीक्षण किया गया। अच्छी यहाँ पे जो है खेती बंदियों के द्वारा ही की गई है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें ये भी हमने निर्देश दिया है कि इसमें यदि इनको कंपोस्टिंग के लिए गोबर की आवश्यकता होगी तो हमारे जो गौशाला हैं बड़े वाले, जो नगर निगम के द्वारा या अन्य कहीं ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित होती है, तो उससे उनको मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।